नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति अपना व्हीकल किसी बिल्डिंग की सोसाइटी में रख के जाए और आने के बाद में उसको अपना व्हीकल नहीं मिले तो उसकी स्थिति क्या होगी। यही परिस्थिति, इसी परिस्थिति पर आधारित ये हम आपको वीडियो कुछ दिखा रहे हैं। ये वीडियो है नाला सुपारे का, जहां पर चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि सोसाइटी के क्षेत्र में पड़ी हुई गाड़ी को, बाइक को चोर उड़ा ले गए। ये मामला है नाला सुपारा पाटन पार्क का, जहां पर 35 वर्षीय आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति ने जब अपने दोस्त से मिलने गया था और दोस्त की बिल्डिंग अग्रवाल क्रश गार्डन सोसाइटी के पास में अपनी गाड़ी खड़ा किया था। मामला 29 जून का रात 7:30 से 8 के बीच का है। वहां पर गाड़ी पार्क करके, टू व्हीलर पार्क करके जब अपने दोस्त से मिलने गया, दोस्त से मिलकर वापस रिटर्न आया और देखा तो उसकी गाड़ी वहां से गायब थी। बाद में गाड़ी को ढूंढने पर गाड़ी नहीं मिली, तब उसने आजू बाजू सोसाइटी में सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तब जाकर उसे कहीं पर सीसीटीवी फुटेज में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उसकी बाइक चोरी कर ले जाने की बात उसको समझ में आई। उसने मामले की शिकायत नालासोपारा पुलिस स्टेशन में की है और नालासोपारा पुलिस स्टेशन को इस अज्ञात आरोपी की तलाश है। अब आप सोचिए कि हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, सीसीटीवी कैमरे लगाने की। जब सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसके बाद भी इस तरह के चोर बेखौफ होकर बाइक जैसी चीज उड़ा ले जाए, जो बाइक हर तरह से ट्रेस की जा सकती है, अगर इस तरह की चीज उड़ा ले जाए तो दूसरी चीजों की सुरक्षा की क्या। और 29 जून का यह मामला है, आज 4 दिन गुजर गए उसके बावजूद पुलिस इस चोर का सुराग नहीं लगा पाई। इस चीज को क्या समझा जाए? बाइक ट्रेसिंग, बाइक का अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस नंबर होने के बाद भी पुलिस क्यों कामयाब नहीं हो पाई उस बाइक चोर को पकड़ने में, ना ही उस बाइक को पुलिस ने अब तक बरामद किया। कभी कभी ऐसा होता है कि चोर चोरी की गई वस्तु को कहीं पे छोड़ देता है, पटक देता है और भाग जाता है। उस परिस्थिति में कम से कम चोरी गई वस्तु तो कम से कम बरामद होती है। यहां तो अभी तक चोरी गई बाइक भी बरामद नहीं हुई, तो चोरों के हौसले कहीं ना कहीं काफी बुलंद है। ये सीसीटीवी फुटेज आप जो देख रहे हैं ये उसी घटना का है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक बार फिर से आपको बता दें, आशीष तिवारी नाम के व्यक्ति की ये बाइक इस चोर ने चोरी की है और जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आप भी सतर्क रहिए अपने आसपास, भले ही आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अपना इस तरह का सामान रखते हो, लेकिन फिर भी सतर्क रहिए क्योंकि चोरों को सीसीटीवी फुटेज का भी डर नहीं है, शायद प्रशासन का ही डर नहीं है इसलिए उन्हें सीसीटीवी फुटेज का डर नहीं है। वरना अगर प्रशासन का डर होता तो इस तरह से सीसीटीवी के सामने कोई चोर चोरी करने की हिम्मत नहीं करता। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हेलो हेलो, आशीष जी बात कर रहे हैं? जी आशीष बात कर रहा हूँ। आशीष जी, आपने नाला सुपारा पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था आपकी गाड़ी चोरी का, क्या है मामला बताएंगे? मेरी गाड़ी चोरी हो गई थी 29 तारीख को। मैं वहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मैं गया था, अपने पहचान वाले उनको मिलने गया था, तो वहाँ पे उनको आधा घंटा पौना घंटा मैं वहाँ पे था। वहाँ पे 7:30 के आसपास गया था मैं वहाँ पे, तो जैसे जब बाहर निकला चाय पानी वगैरह करके तो दिखा तो उस पर गाड़ी नहीं थी जगह पे जहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की थी गेट के सामने। और फिर जब आसपास में चेक किया, मैंने छानबीन किया, तो मुझे पता चला कि गाड़ी नहीं दिख रही कहीं भी। तो फिर मैंने वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म किया और सीसीटीवी मैंने खंगाला वहाँ पे, तो सीसीटीवी खंगालने के बाद मुझे पता चल रहा है, दिख रहा है कि कोई एक अननोन आदमी लड़का
जोमेटो बॉय जैसा था, और तो वो आ रहा है पैदल चल के, और फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की मेरी, और 2 मिनट में 8:02 पे आ रहा है, और 8:04 पे गाड़ी लेके चला गया, सीसीटीवी में ऐसा दिखा। तो ये सब सीसीटीवी फुटेज वगैरह लेके मैं पुलिस चौकी में गया, और वहां पे FIR दर्ज किया उन्होंने सीसीटीवी वगैरह देख के, और मेरे FIR लिखा। FIR लिखने के बाद फिर उन्होंने उसमें मामले पे एक्शन लेना शुरू किया। फिर अभी डेली उनका इंक्वायरी चल रहा है। आपकी गाड़ी में कीज भूल गए थे या वो पेशेवर चोर था, ऐसा कुछ बताएंगे? गाड़ी में कीज भूला नहीं था, मैंने गाड़ी को प्रॉपरली हैंडल लॉक किया हुआ था गाड़ी का, और वो आया और 2 मिनट में उसने गाड़ी स्टार्ट कर दिया। शायद उसके पास कोई प्रोफेशनल चोर रहा रहेगा, उसके पास कुछ रहा रहेगा, उसने चालू कर दिया गाड़ी, और गाड़ी में हेडलाइट भी चालू है, मतलब चाबी रहेगी उसके पास में। अच्छा, ये कौन से एरिया से घटना हुई? ये घटना हुई नालासोपारा वेस्ट में पाटन के पास अग्रवाल कृषि गार्डन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में से। अच्छा, अभी आपको 4 दिन हुए, अभी आपकी गाड़ी आपको मिल पाई है क्या? अभी तक गाड़ी नहीं मिल पाई है मुझे, अभी तक गाड़ी नहीं मिल पाई है। पुलिस लोगों का प्रयत्न चालू है, बात कर रहे हैं वो लोग भी, अभी भी मुझे मिले थे, वो लोग इन्वेस्टिगेशन चालू है, आपका प्रयत्न चालू है उनका। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।